दोस्तों, मजबूत कंधे आपकी अपर बॉडी को शेप देते हैं। साथ ही साथ जब बात किसी जिम्मेदारी की आती है तो भी कंधों पर बोझ वाली बात जरूर मन में आती है। इसीलिए तो कहते हैं, किसी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई कहावतों की बात, लेकिन यदि हम रियल लाइफ की बात करें तो जी हाँ, मजबूत कंधे हर पुरुष की पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं। इनकी ही मदद से ही आप हैवी वेट को उठा सकते हैं। कई लोग जिम जाकर इसके लिए मेहनत और एक्सरसाइज तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी वे अपने कंधे को सही शेप नहीं दे पाते। तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इस वीडियो में आपको मजबूत कंधे के लिए कुछ एक्सरसाइज जो काफी इफेक्टिव है। शोल्डर के बारे में ये जानना भी है जरूरी। कंधे में लगभग 8 मसल्स होते हैं जो स्कैपुला, ह्यूमरस और हंसली से जुड़े होते हैं। ये मसल्स कंधे और अंडरआर्म के बाहरी आकार को शेप देती हैं। कंधे का सबसे बड़ा मसल्स डेल्टॉइड है। यह बड़ा त्रिकोणीय मसल्स ग्लेनोह्यूमरल जोड़ को कवर करता है और कंधे को गोल आकार देता है। लेकिन जब कंधे के मसल्स को टोन करने की बारी आती है तो इसे सिर्फ 3 भागों में बांटा जाता है, एंटीरियर फ्रंट शोल्डर, लेटरल आउटर शोल्डर, रियर डेल्ट बैक शोल्डर। इन तीनों हिस्सों के लिए आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन तीनों पार्ट को एक साथ टोन करना ही बेस्ट माना जाता है। शोल्डर के लिए एक्सरसाइज बारबेल पुश प्रेस और मिलिट्री प्रेस। बारबेल पुश प्रेस यह कंधे के लिए अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसमें आप काफी अधिक वेट को उठा सकते हैं। ये कंधे के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पर भी वर्क करता है। इससे आपका पूरा कंधा टोन होता है। कैसे करें इस एक्सरसाइज को करने के लिए? आपको फोटो में बताए हुए पोस्चर के मुताबिक बारबेल को अपने ऊपरी चेस्ट पर रखना है, फिर अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ना है और बारबेल को ऊपर की ओर प्रेस करते हुए सीधा खड़ा होना है। इसमें आपकी लोअर बॉडी, कोर, डेल्ट्स, ट्राइसेप्स और ऊपरी पेक्स मसल्स भी शामिल होते हैं। मिलिट्री प्रेस ये एक्सरसाइज भी लगभग बारबेल पुश प्रेस जैसी ही है, बस इसमें आपको बारबेल को ऊपर उठाते समय अपनी कोर सीधी रखनी है और रॉड को ऊपर ले जाकर 2 सेकंड रोकना है और फिर चिन तक लाना है। इसमें आपको अपने घुटने नहीं मोड़ना है। इसमें ध्यान रखें कि आपके हिप्स की स्थिति नॉर्मल हो, क्योंकि उन्हें आगे की ओर झुकाना या पीछे करना आपके लंबे स्पाइन पर लोड डाल सकता है। 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं। सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस। ओवरहेड डंबल प्रेस के लिए आपको एक बेंच की जरूरत होती है। इस एक्सरसाइज में आपके शोल्डर पर बारबेल की अपेक्षा ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है। जब आप बैठ जाते हैं तो इसमें आपकी निचली बॉडी रिलैक्स पोजीशन में चली जाती है और आपके ऊपरी आर्म सीधे सीधे उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। कैसे करें इसे करने के लिए? आप अपने दोनों में हाथों में डंबेल लेकर बेंच पर बैठे और पैरों को ठीक तरह से बैलेंस करें। उसके बाद डंबेल को फोटो के मुताबिक कंधों की सहायता से ऊपर की तरफ प्रेस करें और फिर नीचे कंधे की सीधाई तक लाएं, ताकि आपकी कोहनी और कंधों के बीच 90 डिग्री का कोण बन सके। 12, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं। लेटरल रेजेज। इसे कंधे के लिए दूसरी सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। शुरुआत में इसे करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आप इसे सही तरीके से करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप समझिएगा आपको हैवी शोल्डर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें यह सीखने में परेशानी होती है कि अपनी कोहनी को कैसे आगे की ओर मूव कराना है। कैसे करें इसे करने के लिए? आप पहले हल्के वेट के डंबल का प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको अभी फिलहाल इसे करने का सही तरीका सीखने की जरूरत होगी। 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं। अर्नाल्ड प्रेस। इस एक्सरसाइज का नाम हॉलीवुड एक्टर अर्नाल्ड श्वार्जनेगर के नाम पर रखा गया था। इसमें अपनी क्षमता के मुताबिक वजन उठाएं। यदि बिगिनर्स हैं तो पहले कम वजन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। कैसे करें इसे करने के लिए? आपको डंबल को फोटो में दिखाए मुताबिक कंधे के सामने की ओर रखना है और ध्यान रहे कि आपकी हथेलियां अंदर की ओर हों। फिर धीरे धीरे डंबल को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को बाहर की ओर ओवरहेड प्रेस की पोजीशन में ले जाएं। फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। आपको अपनी हथेलियों की पोजीशन और उनके मूवमेंट का ध्यान रखना है। 12, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं।
फ्रंट डंबल रेज। इस एक्सरसाइज से आपके कंधे को शेप मिलता है और वे मजबूत बनते हैं। इससे हाथ आपको सामने की ओर करने होते हैं, जिससे आपके एंटीरियर डेल्टॉइड्स पर टेंशन क्रिएट होती है। इसे बारबेल या केबल हैंडल के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन डंबल से करना ज्यादा कारगर होता है, जो आपको न केवल ताकत देता है बल्कि वेलनेस में भी मदद करता है। कैसे करें इसके लिए आपको फोटो में दिखाई हुई पोजीशन के मुताबिक डंबल को आगे की तरफ पकड़ना है और फिर आपको अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए दूसरे को नीचे की ओर सीधा रखना है। फिर दूसरे हाथ से भी इसी तरह करना है। बस ध्यान रहे अधिक वेट के डंबल का प्रयोग न करें, क्योंकि यदि आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो इन एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वेट से लगाएं। इसके अलावा भी शोल्डर के लिए काफी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे बारबेल अपराइट रो, मशीन रियर डेल्ट फ्लाई, सीटेड ओवरहेड बारबेल प्रेस, डंबल इंक्लाइन रो, शोल्डर पुशअप, रियर फेस पुल। लेकिन आप सिर्फ 5 एक्सरसाइज ही करेंगे तो आपको हैवी शोल्डर मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी पोजीशन ठीक हो और सही वजन का भी इस्तेमाल करें।